किसे पैगंबर ने कुछ मंगया कौमां दे कोल, किसे ने कुछ मंगया, गुरु ने की मंगया, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। कई कहते सी तत्तियां गल्लां तुसी सीस मंगदे जो सीस मैं नहीं मंगया, सीस कलगीधर पातशाह ने मंगया सी, सीस कलगीधर पातशाह रोज़ मंगदे ने, हर सिख दे कोलों कलगीधर पातशाह दी इक्को मंग है भी अपना सीस अपनी मत ये मेरे चरणां च रख दे ते गुरु की मत ते चल मेरी मत ते चल, तो जदों तुसी गुरु की मत चलते हो फिर संसार की कोई कौम कोई फौज तुहानू गुलाम नहीं कर सकती। मैनू कहिंदे सी मीडिया वाले भी रोज़ सवाल करते हैं, मैं अज ही तुसी सारे जने नोट कर लो भी तुसी क्या भी तत्तियां गल्लां करदे जो तुसी लोगों के पुत मराओगे, असी कहिंदे आ भी लोगों के पुत मरवावांगे, जिहड़ा पुत मरूगा गुरु के चरणों च वह गुरु का पुत बन जूगा, लोगों का पुत नहीं रहूगा। इत्थे लोगों के पुत मरते ने ते कलगीधर दे पुत पैदा होंदे ने, मौत तो बिना कुछ नहीं, मौत का भय मनुख नूं उहनूं हुंदा जिहड़ा मरिया ना होवे, असी मरे हाँ आ सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों के विच, दूजी वार सानू कोई नहीं मार सकता। पंजाबी सूबा जिंदाबाद कहणते काका इंद्रजीत वर्गे जवाक जिहड़े सी वढ वढ के तुसी खूहां सुट दित्ते सी, उह पंजाबी सूबा है। इत्थे सारे बंदे जिन्ने आए तुहानू सारयां नूं प्रताख्या भी असी गुलाम आ, जे को अजे भी अपने आप नूं आजाद समझदा है तो मैं बेनती करूँगा भी उहदे मूँह ते पाणी दे छिट्टे मारो माड़े जिहे उहनूं होश हुश आवे, क्योंकि साडे ते जिहड़ी गुलामी है वह हुण सिर तो पानी भी लंघ गया। जे इस सच्चे सतगुरु पातशाह की इत्थे बेअदबी होनी है पंजाब की धरती के उत्ते तो फिर तुसी कि आजादी के नारे मारते, जिहड़े अपने बच्चों संघर्ष के राह तो जाने तो रोकते हैं भी कलगीधर पातशाह के अपने पुत्र उन्हां दे बच्चे नहीं सन। जदों कलगीधर पातशाह ने अपने चारे पुत्र कुरबान करके कहा सी इन पुत्रन के असीस परिवार दी इस उदचार चार मोए तो क्या पिया जीवत कई हज़ार। इत्थे दादे ते पोते नूं खड़ा कर लो दोवां नूं, लोकी पुछदे ने वी नसल कुशी हुंदी की है, सब तो वड्डी नसल कुशी है भी जे दादे ना पोते दा चेहरा मुरा नहीं रलदा, जे शेरां दे पुत्र हिरनां वर्गे लगन लग पैण, जे शेरां दीआं धीआं बकरियां लगन लग पैण तो तुसी ये नसल कुशी नहीं मानते इस गल नूं। तो नसल कुशी किसे ने तुहाडे मत्थे ते आण के टैटू नहीं बना जाणा भी तुहाडी नसल कुशी हो रही है, तुहाडा पाणी साडा लुट्टिया जा रहा, साडे गुरु दी बेअदबी हो रही है, साडे इत्थे इहो जिहीआं फैक्ट्रियां लातीआं भी हज़ारां वर्ग किलोमीटर का इलाका इन्हां ने गंदला करता है, साडे कोल जमीन थले पाणी नहीं बचिआ, साडे सिखां दीआं पग्गां रोज़ लैंदीआं ने, सानू संविधान जिहड़ा इस मुल्क दा उह कहिंदा भी तुसी किसा धारी हिंदू जो, होर तुहाडी नसल कुशी किहने करनी आण। बेशक पिंडां दे बाहर इक बोर्ड ला दिओ भी इत्थे तंबाकू चिट्टा किसी भी किस्म का नशा जां इत्थे कोई डम्मी देहधारी पखंडी साढ़े पिंड च दाखल ना होवे, जे प्रशासन भी बोर्ड की कापी दे आओ जाके भी असी पिंड की सहमति वालों लाता है, तो जे उस तो बाद भी कोई आता है तो फिर सानू ना कि वह भी पई है तत्ता चलते। सूरमियां जंग का मैदान वेख के चा चढ़ता, तो जे असी आइलट्स करके बाहर ही वग जाना सारे संसार ने, तो आप इदा करिए भइया सपुरद कर दी हूँ ही सारा कुछ इकट्ठा करके। पंजाब से साडा दावा इहनू कदी छड्डना नहीं, कई कहिंदे जे भी सिख कल्ले पंजाब दी ते असी किसे दी को बांह फड़ी है, जिहदा दिल करदा पंजाब लई लहू डोल लिया अपना, असी जदों दावा करदे आ असी मना दे मन लहू डोलिया इस धरती दे उत्तों, जिहदी जगह ते खड़े आ अज जे इस सरजमीन ते खड़े आ, इत्थों जिहड़ा मर्द उठिया उहने अपनी छाती च 36 गोलियां खाधियां ने, दिखाओ किहड़ा तुहाडा सूरमा कोई। मैं स्टेज तों अज ऐलान कर देना ते आखिरी वार मैं गल कहणी आ, ना मैनूं इस तों बाद कोई मीडिया वाला पुछे ना कोई होर बंदा पुछे, मैं संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडराणियां दी चरणां दी धूड़ दे बराबर भी नहीं, वह साडे आदर्श हन, सानू उहनां नाल प्रेम है, असी उहनां वर्गा बनना चाहुंदे हां, हर सिख उहनां वांग जपी तपी बनना चाहुंदा, हर सिख उहनां वांगू पाठ पूजा करना चाहुंदा, हर सिख उहनां वांगू संत सिपाही बनना चाहुंदा है, गुरु का हुक्म है। वह क्यों कहिंदे ने भी शहीद ना आखो, क्योंकि शहादत बिंब सिरजदी है, एक शहीद जदों उहदा लहू धरती ते डुलदा है ते हज़ारां शहीद पैदा हुंदे ने, तो जदों वह कहिंदे ने शहीद ना आखो तो फिर संघर्ष किको प्रेरित होकर करना, जिहड़ा बंदा सतगुरु सच्चे पातशाह की बेदबी करना आउंदा माड़ी निगाह रख के आउंदा पुलिस कोल इन्ना मौका भी राह च आउंदे नूं फड़ लवे, जिहड़ा गुरु घर वड़ गया वह सिखां दे हत्थों उहदा सोता लगूगा। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन्नियां भी रूहां इत्थे पहुंचियां ने प्रगट गुरां की देह सतगुरु सच्चे पातशाह की हजूरी च बैठे हाँ, गुरु साहब वालों बख्शी फतेह की सांझ पाइए, गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पहला तो जिन्नियां भी पवित्र रूह इतने पहुंचिया ने समा कढ़ के इन्नी गर्मी च इतने बैठ के तुसी सारा प्रोग्राम वेख्या है, सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद है, असी तुहाडे ऋणी हाँ, सदा ऋणी रहांगे,
ते इत्थे अज तुहाडे नाल इक वादा है गुरु साहब की हजूरी च भी साडे शरीर दे विच जिहड़ा लहू आ उहदा इक इक कतरा तुहाडे चरणां च डुलूगा पंथ की आजादी वास्ते डुलूगा। शुरुआत च मैं समूह नगर रोडे पंजे पंचायतां सब संगतां दा क्योंकि जिन्ना प्यार मैनू इस नगर च आके मिलिया मैनू दो दिन हो गए ने ते संगतां दा हड़ लगा रहा दो दिन मिलने वालियां दा कईआं नाल मिलिया गया कईआं नाल नहीं मिलिया गया सो कोई दिल च गिला नाराजगी नहीं रखनी ये साडा अपना नगर है इत्थों ही साडा संघर्ष शुरू होया सी इत्थे ही आण के असी संघर्ष लड़ने ने इत्थों ही असी प्रेरणा लैण आउणा है सो इस करके इस पिंड दे सदा ऋणी रहांगे सारे ही पिंड दे नां दे लोकां दे नाल इक जकारा लाउणा जी बोले सो निहाल जिहड़े मते पाए गए ने तुसीं सुण लए ने कई बार मते जिहड़े आ उहदी भाशा कई बार समझ नहीं पैंदी क्योंकि वह मीडिया च वी जाणे हुंदे ने मैं उन्हां मतियां दे विच्चों ही कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने। पहलां तो इत्थे सारे बंदे जिन्ने आए तुहानूं सारयां नूं प्रताख्या वी असीं गुलाम आ जे को अजे भी अपने आप नूं आजाद समझदा है तो मैं बेनती करूँगा भी उहदे मूँह ते पाणी दे छिट्टे मारो माड़े जिहे उहनूं होश होश आवे क्योंकि साडे ते जिहड़ी गुलामी है वह हुण सिर तों पाणी वी लंघ गया एक तो हुंदा वी गल तक आ गया तो चलो मूँह थणी सह आऊगा मूँह तक आ गया तो नक् थणी हो जूगा तो अड्डियां चुके भी सानूं हुण सह नहीं आ रहा तो जिन्होंने अजे भी आजादी का खमार चढ़िया भी असं आजाद हाँ वह मेरा वीर किसी डॉक्टर को जाओ चंगे को कहो भी साडा इलाज करे क्योंकि आजाद जो असं कोई नहीं है रोज़ सानू छित्र पै रहे हैं सड़कों पर साड़िया पगं रोलदियां ने धियां भैणा दियां बेपतियां हो रही साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हों असी प्रगट गुरां की दे कहने महाराज ने कहा आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ ये कलगीधर पातशाह का रूप है ये गुरु नानक पातशाह का रूप है तो जे ये सतगुरु पातशाह की इतने बेअदबी होनी है पंजाब की धरती के उत्ते तो फिर तुम कि आजादी के नारे मारते जो सो इस करके समूह संगत जिहड़ियां इत्थे पहुंचियां ने एक घर एक चीज़ लैके जानी है वो ये चीज़ लैके जानी है भी असी गुलाम आ तो गुलामी गलों लाउणी है तो गुलामी लथनी किवें आ संत एक गल कहिंदे सी भी जे गुलामी गलों लाउणी है तो आनंदपुर घरे वड़ जाओ आनंदपुर घरे वड़न का अर्थ मैं अज आनंदपुर घरे वड़न का अर्थ अज मैं थोड़ा जिहा स्पष्ट करना है एक तो साडा वो घर है जिथे असी जम्मे पले हाँ एक साडे वो माँ बाप ने जिन्होंने सानू जन्म दिता है वह घर भी सत्कारत है जिथे जम्मे पले वो माँ बाप भी सत्कारत ने जिन्हें जन्म दे के पालिया है पर सब तो उच्चा घर केड़ा है वह आनंदपुर साहब है जिथे कलगीधर पातशाह ने सानू पैदा किया है प्रगट किया खालसे की सिरजना की है तो सब तो व्डा साडा बाप धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप ने ते माता साहब कौर है सो देखो साडे दुनियावी माँ बाप कई बच्चे इतने बैठे होणगे कई नौजवान सवाल करते हैं भी साडे माँ बाप नहीं चाहते भी असी सिखी वल तुरीए जां इस संघर्ष वल तुरीए तो साडी जान जिहड़ी खतरे च पवे मैं उन्हां माँ बाप नूं पुछना चाहुंदा अज जिहड़े अपने बच्चों संघर्ष के राह तो जाणों तों रोकते हैं भी कलगीधर पातशाह के अपने पुत्र उन्हां दे बच्चे नहीं सन जदों कलगीधर पातशाह ने अपने चारे पुत्र कुरबान करके कहा सी इन पुत्रन के असीस पर वार दिए सुद चार चार मोए तो क्या पिया जीवत कई हजार हुण जे कलगीधर पातशाह अपना अंश बंश अपनी कुल वार के कहिंदे ने भी आ मेरी कुल है जिहड़ी इत्थे बैठी है ये हजारां पुत्र मेरे जिउंदे ने ते ना साडा चेहरा मोहरा कलगीधर पातशाह ना मिले ना साडियां हरकतां मिलन इत्थे दादे ते पोते नूं खड़ा कर लो दोवां नूं लोकी पुछदे ने नसल कुशी हुंदी की है सब तो वड्डी नसल कुशी है भी जे दादे ना पोते दा चेहरा मोहरा नहीं रलदा वह नसल कुशी है जे शेरां दे पुत्र हिरनां वर्गे लगन लग पैण जे शेरां दीआं धीआं बकरियां लगन लग पैण ते तुसीं इह नसल कुशी नहीं मानदे इस गल नूं सो नसल कुशी किसे ने तुहाडे मत्थे ते आण के टैटू नहीं बणा जाणा भी तुहाडी नसल कुशी हो रही है तुहाडा पाणी साडा लुट्टिआ जा रिहा साडे गुरु दी बेअदबी हो रही है साडे इत्थे इहो जिहीआं फैक्ट्रियां लातीआं भी हजारां वर्ग किलोमीटर का इलाका इन्हां ने गंदला करता है साडे को जमीन थले पाणी नहीं बचिआ साडे सिखां दीआं पग्गां रोज़ लैंदीआं ने सानूं संविधान जिहड़ा इस मुल्क दा उह कहिंदा भी तुसीं किसा धारी हिंदू जो होर तुहाडी नसल कुशी किहने करनी आण के जिहड़े टायर पैणे सी गल्लां 'च उह वी पै गए एक करी सो मेरी बेनती है कबूल करनी है जिहड़ी संगत इत्थे आई है मैं कदे पिछे नहीं हटदा मैनूं मरना पै जाए बंद बंद कटाउणा पै जाए महाराज की हजूरी 'च कहिंदा मैं पिछे नहीं हटदा
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ ਉੱਡੀਏ ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਲ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਮੰਗ ਦਿਓ ਜੋ ਸੀਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸੀਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕੋਈ ਫੌਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਭਾਈ ਲਹਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਜਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਗਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਠਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿਤੇ ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ ਸਜਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹੀਣਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਣਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀਣਤਾ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀਣਤਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕੌਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਮਰੂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹਾਂ ਆਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਤੋਂ ਕਾਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਲੋਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੂਟ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਜਣੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ 350-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ 350-350 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਦੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਐਨ ਉਬਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਐਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਦੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਹ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵਚਨ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਪੱਖ ਰਹਿ ਸਕੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਿਤ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 20-25 ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਡੰਮੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਚਿੱਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੰਮੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਆਇਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਤਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਟਾ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਤੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਗਵਾਚੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਭਟਕਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਹਲਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਬਿਹਾਰੀਓ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਓ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲਿਓ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਓ ਸਭ ਲੋ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਓ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੱਜਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ
इस ते पंजाब ते साडा दावा इहनू कदे छड्डणा नहीं। कई कहिंदे जी वी सिख कल्ले पंजाब दी ते असीं किसे दी को बांह फड़ी है। जिहदा दिल करदा पंजाब लई लो डोल लिया अपना, किसी नू हिंदू भरा नू किसी मुसलमान नू किसी ईसाई नू कदे असीं कहा वी मोर्चिआं 'च शामिल ना हो तुसीं, कदी असीं किसी नू कहा वी भाई पंजाब नू तुहाडी कुरबानी दी लोड़ नहीं। जे अज तुहानू मेहणा वजदा है हिंदू भरावो मेरी गल सुणो, जे तुहानू मेहणा वजदा है तो इस करके वजदा वी तुहाडे पुरखियां ने पंजाबी मां बोली दे नाल गदारी कीती सी। अज तुसीं जे गदारी करोगे तुहाडीआं आउण वाली पुश्तां नू मेहणा वजूगा। असीं बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। अज जे तुसीं संघर्ष करोगे ते तुहाडीआं आउण वाली नसलां सिखां वांगू माण ना कह सकणगीआं भी असीं वी पंजाब दे दावेदार हां। नहीं तो यह गल कहनी बंद करो भी तुसीं पंजाब नूं अग ला रहे जो, ये वो पंजाब है जिहदे च तुसीं बण च सहमति नहीं सी दित्ती। पंजाबी सूबा जिंदाबाद कहण ते काका इंद्रजीत वर्गे जवाक जिहड़े सी वढ वढ के तुसीं खूहां सुट दित्ते सी, वह पंजाबी सूबा है। तो अज वह सूबे नूं सिख शांत रखण इहनूं अग ला देणे साडा, ये तुसीं नहीं कमाया। सो जे अज भी कमाई करनी है तो अज कमाई करो जिहड़ी कल तुहाडीआं नसलां दे काम आवे। असीं जदों दावा करदे हां असी मना दे मन लहू डोलिया इस धरती दे उत्तों, जिहदी जगह ते खड़े हां अज जिस सरजमीन ते खड़े हां, इत्थों जिहड़ा मर्द उठिया उहने अपनी छाती च 36 गोलियां खाधियां ने। दिखाओ किहड़ा उह तुहाडा सूरमा कोई। एक बार बार शंका खड़ा किया जाता है कि भाई तुसीं संदीप सिंह दीप सिद्धू नूं शहीद क्यों कहिंदे जो। अज जथेबंदी वालों समूह पंथ वालों जकारा ला के इस गल नूं प्रवानगी देनी है कि दीप सिद्धू साडा कौमी शहीद है। सो जिहड़े को मंदबुद्धि बंदे उठ के रोज दिहाड़ी तुसीं उहनूं शहीद क्यों कहिंदे जो, देखो जिन्हां दी महाराज ने सेवा लाई होवे एक्सीडेंटां 'च नहीं मरदे होंदे। ये सानूं नहीं पता वी रोड किहदे ने, एंबूलेंसां किहदियां, हस्पताल किहदा। सो इस करके हुकूमत ने तरीके बदले पर असीं बेवकूफ नहीं हैगे। सानूं पता है जिहड़ा संघर्ष दे राह ते तुरिया हुकूमत ने कोई ना कोई बहाना लभ लैणा इहनूं खत्म करन दा। असीं उहनां दीआं गल्लां 'च नहीं आउणा। उह क्यों कहिंदे ने वी शहीद ना आखो, क्योंकि शहादत बिंब सिरजदी है। एक शहीद जदों उहदा लहू धरती ते डुलदा है ते हजारां शहीद पैदा हुंदे ने, ते जदों उह कहिंदे ने वी शहीद ना आखो ते फिर संघर्ष किहको प्रेरित हो के करना। जिहड़े ये कहिंदे ने वी तुसीं संतां दे वर्गे बनना चाहुंदे जो, बनना चाहुंदे हां असीं संतां वर्गे। किसे दे दरसाए मार्ग ते चलना ते किसे दी नकल करना दो वख-वख गल्लां। असीं संतां दे दरसाए मार्ग ते चलणगे, चलदे रहे हां ते आउण वालियां नसलां वी साडियां चलणगियां जिन्ने चिर आजादी नहीं मिलदी। सो इस करके जे कोई ये शंका खड़ा करता है, मैं स्टेज तो अज ऐलान कर देना ते आखिरी बार मैं गल कहनी है ना, मैनूं इस तों बाद कोई मीडिया वाला पुछे ना कोई होर बंदा पुछे। मैं संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडराणिया की चरणा की धूड़ दे बराबर भी नहीं। जे मेरे मन च इहो जिहा अहंकार आवे ते परमात्मा मेरे इहो जी गल कहण तों पहलां मेरी जबान वढ लवे। असीं उहनां दे चरणा की धूड़ बनना है, असीं उहनां दे दरसाए मार्ग ते चलना। जिन्नी महाराज ने सेवा लैनी है उन्नी करनी है। वह साडे प्रेरणा स्रोत हैं, वह साडे आदर्श हैं, सानू उन्हां नाल प्रेम है। असीं उन्हां वर्गा बनना चाहुंदे हां। हर सिख उन्हां वांग जपी तपी बनना चाहुंदा, हर सिख उन्हां वांगू पाठ पूजा करना चाहुंदा, हर सिख उन्हां वांगू संत सिपाही बनना चाहुंदा। इह गुरु दा हुक्म है, पर इत्थे कोई किसे दी नकल नहीं करदा हुंदा। सो इस करके इह दुबदा मैं अज अखीर वार खत्म करदी आ। मीडिया वाले वीर सारे मौजूद आ, अज तों बाद मैनूं किसे ने सवाल नहीं पुछणा। मैं सीधी गल कह दिती है, उन्हां दे चरणां दी धूड़ बराबर भी नहीं हैगी। असीं महाराज किते धूड़ ही बना देवे ते साडी कौम नूं आजादी अगले दिन मिल जूगी। एक अपने समाज दे विच एक कृति चली आ रही है, बेशक उहनूं हिंदुस्तान दी हकूमत शह दिंदी है, पर अज इत्थे तुसीं सारे मेरे भरा आए जो, साडे च जातां पातां दी जिहड़ी वंड है इह बड़ा संजीदा मसला है। सिख नूं सिख नाल लड़ाया जाता है जात के मसले के विच।
जदों तख्त श्री केसगढ़ साहब से असी अमृत छकिया, महाराज ने जदों अमृत तैयार करना सी सब नूं सदा दिता, सब जातों नूं। कुछ अहंकारी जात के लोग कहिंदे सी असी इन्हां नीवे लोगों ना, साडे नूं सानूं नीवे कहिंदे सी, इन्हां ने एक बाटे च अमृत नहीं छकना। तो महाराज ने कहा सी इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही, उस सारे गरीब सिखां नूं महाराज ने पातशाही दिती। कोई जाति वितकरा नहीं होना चाहिए, जात का गुमान भी माड़ा है, जात की हीनता भी माड़ी है। कोई अपने आप नूं उच्चा समझ भी तुसीं बैस के बैठ के किसी ने रोटी नहीं छकनी, तुसीं किसी ना बराबर ते नहीं बैठना, तुसीं किसी ना हाथ नहीं मिलाउणा, यह ब्राह्मण की देन है, सिख गुरु की देन नहीं। गुरु नूं सब जातां वालिआं ने गुरु मन्निआ, उहदा अमृत सारिआं लई बराबर है। खासकर अमृतधारी सिख जिहड़े ने, यह तुसीं अपने मनां च चीज़ कढो, दूजे भी कढ़न, क्योंकि जिन्ना चिर यह कोड़ साडे च हैगा, हुकूमत सानूं एक दूजे नाल लड़ाउंदी रहेगी, असीं लड़ना नहीं। बहुत उन्होंने भौंकण नूं छड्डे होए ने लोग जिहड़े जात के नाँ के उत्ते रोज़ बोलते हैं। सो ये आपां फिर भी दूजे सूबे नाल बहुत चंगे हैं, इत्थे महाराज का लंगर वरतदा है, कोई किसी नाल वितकरा नहीं करता, सब एक थां बह के छकते हैं। पर जिहड़े माड़े मोटे हैगे आ उन्हां नूं ये नहीं भी मनना नहीं, असीं उन्हां नूं दूर करन दे जतन करने। एक कई सिंघ उदन आखी जांदे सी वी चूला छक लैणा, असीं अमृत नहीं छकणा। देखो चूले की कोई मर्यादा नहीं हैगी, महाराज ने सीस मंगया तो कोई महाराज अगे जाके कहे भी मैं चीची वढ के देना चाहुंदा जी, मेरी बांह लै लो, मेरी लत्त वढ़ लो, मेरी बांह लै लो, मेरी लत्त वढ़ लो, चूला चला कुछ नहीं हुंदा। इको चीज़ है खंडे बाटे की पौल, पूर्ण तौर पर खंडे बाटे की पौल छकनी है, गुरु के सिख बनना है, शस्त्रधारी होना है, बाणी बाणे दे धार नहीं बनना, शस्त्रधारी होना है। कल मैंने एक पुछते सी मीडिया वाले भी तुसीं इन्ने शस्त्र वाले बंदे को रखे जो, वो मैं क्या असीं तो सदियों तो शस्त्र रखी फिरते, छड्ड तुसीं दित्ते जो, जिहड़ा सिख है मैनूं सवाल करदा है भी शस्त्र को रखी फिरते जो, उहनूं शीशे च अपनी शकल वेखनी चाहिए है, भी साढ़े हथ च क्यों नहीं हैगा, हुक्म है महाराज का। जे इहदा महाराज का हुक्म नहीं मनना तो फिर तुसीं जीवन च करन की आए जो। सो खंडे बाटे की पौल कल इत्थे भी छकाई जानी है, जिहड़े सिंघां दे फोन आ रहे सी बीबियां दे भैणां दे भी खंडे पट्टी दी पौल असीं छकनी चाहुंदे आ, अज प्रबंध नहीं सी हो सकता क्योंकि संगत दा रुझान इधर सी, उत्थे हाल भी वेला नहीं, कल नूं प्रबंध कीता, शामां नूं रहण दा भी प्रबंध है, बहाना ना बना लिओ कोई भी, सानूं रखिआ किसे ने नहीं, उत्थे सारा पिंड अपने दरवाजे खोलूगा तुहाडे वास्ते। असीं तुसीं जहाजे चढ़न दी तैयारी करो, तुहाडे असीं चरणां च पलकां विछाउण नूं तैयार हाँ, तुहाडे जोड़े झाड़न नूं तैयार हाँ, बहाना तुहानूं कोई नहीं लाउण देना। कई नौजवान मैनूं कहिंदे ने वी किरपा हो जाणी महाराज दी, जदों कहीए ना दाढ़ी रख लो, महाराज ने किरपा कीती है दाढ़ी वध जांदी अपने आप, तुसीं नाई को जाके किरपा कटाउंदे जो, उत्थे कोई ऐसी गल है कि महाराज ने कहे दाढ़ी रोक दित्ती होवे भी इत्थों अगे वधण लई। सो जिहड़ी किरपा रोकी आपां आप ही रोकी है, इन्हां बहानियां तों आपां बाहर आ जाईए, गुरु की किरपा दे नाल ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, प्रेम कि करना है, ये नहीं कोई कहे भी मैं सहेली ना प्रेम करना, वह प्रेम नहीं है। माँ प्यो ना भी जो प्रेम वह भी नहीं, वह मोह है। प्रेम सतगुर सच्चे पातशाह करना है। कौम जे अजे तक जीवी है, जे थोड़े तो सिरां दे पगां ने माड़िया मोटिया, जे थोड़े तो मूँह के दाड़े ने, जे तुसी अजे भी नारे जकारे झंडे बुंगे उन्हां दी जय जयकार कर रहे जो, तो ये सतगुर सच्चे पातशाह दे नाल प्रेम सी तां ही होया। वह भी दिन आया सिखां दे तेड़ कशेरा कशहरा रह गया सी, पर उस समय दे विच भी सतगुर सच्चे पातशाह जो तंबू लगता सी लखां रुपये का हुंदा सी। कौम अज बहुत छेती रौला पाउंदा भी गुरु घर पक्के कर ले आ, गुरु घर च सोना चढ़ाता, भी जिन्हां ने अपनियां जनानियां सोने च लदियां पईयां ने, उह सवाल करदे ने भी गुरु नूं सोना नहीं चढ़ाउणा। इह गुरु घर नाल गुरु नाल प्रेम है, इहने सानूं बचाउणा है। बेअदबी तां हुंदी है बार बार भी तुसीं इहनां प्रेम करन उड़ जाओ, तुहाडे लई आम गल बण गई है, बेअदबी दी खबर आउंदी है तुसीं ऐ तां चढ़ा दिंदे जो उन्हूं भी ये जिहड़ी खबर है साढ़े लिए आम गल बन गई है, उन्हें की भी तां है बार बार। हुण हुकूमत ने तो बेदबियां करनों हटना नहीं, साढ़े को एको हल बजदा है
ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਜੋ? ਮੰਨਦੇ ਜੋ? ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਸਿਰ ਮੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨਦੇ ਜੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੋ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ? ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਮਿਟ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭਣ ਸਾਨੂੰ? ਦੋ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਖਲੋਣਾ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਘਟਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਇਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੜਾਉਣਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਭਰਾ 'ਚੋਂ ਫੜ ਲਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮ ਪੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਡੇ ਜੋ? ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੋ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਰੱਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਲਾਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਆਦਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਛੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡੇ ਪਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪੌਲ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। 15-14 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਪੁੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੀ ਖੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਖੰਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਰ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
जिन्ना चिर कौम की पीड़ तुसी महसूस नहीं करते ते जे तुहाडी रातां दी नींद नहीं हराम हुंदी ते दिन दा चैन नहीं गवाजदा ना उन्ना चिर तुहाडे मन दे विच कोई ना कोई खोट है साडे मन च वी उन्ना चिर कोई ना कोई खोट है। कफन बन के सिरां ते तुरन की गल क्यों कीती सी पी जदों बचा ही कुछ नहीं साडे कोल ते बचा के किनू रखी ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਸ ਬੰਸ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੁੱਲ ਜਾਣ ਜੀ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। 3-4 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ 7-8-10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਸਹਿਜ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਨਾਲ पर किसी रेहड़ी वाले को चार चपेड़ा खा लिया सिख का किरदार है। लुधियाने च भइए सिखां नूं कुटियां दे बन बन के जे कोई यूपी जापी च होवे उत्थे भी सिख वास्ते शर्म की गल है नक् डुब के मर जाण की गल है। कई फोन करते भी साडी पग लाती है जी हुण मैं कोई पगां वाली दुकान ते नहीं खोली भी बंझ मान के जिहड़ा पग लाउण आया सी उहनूं उह तुहाडे कोल आ नहीं ना होणी हत्थ दे विच तां ही आ गया लाउण। गल्लां मैं बहुत कर लिया तुसी सुन लिया है नौजवानों पहरा दो ये पहरे तो बिना गल नहीं बननी। जदों सानू पता होवे भी साडे घर ते रोज़ डाका पैण वाला है साडे घर च माड़ी मोटी कीमती चीज़ होवे ते असी सानू नींद नहीं आउंदी रात नूं भी कितें कोई चुके ना लै जाए ते इत्थे महाराज दे सरूप चुके लै आए ते लोग सानू होश ही नहीं आ रही। सो इस करके अखीर ते ये सारिया बीबिया भैणा सारिया नौजवानों बच्चों बजुर्गों को बेनती है सिख की उम्र कोई नहीं होंगी जिहड़ा कलगीधर पातशाह का पुत्र बन जाता है उसकी उम्र सदैव संघर्ष की है। खालसे पंजाब के जमे नित महिमा ने साडा इतिहास यो रहा कोई चढ़ के आ गया कोई इतों लुट्ट आ गया असी टाकरे किए ने भज के नहीं जाना इस धरती तो इस धरती रह के बाहरलियां भी बेनती है मेरी सुनते होने अच्छ भी जिन्हों के न्याणे उत्थे काम से लग गए वो बैठे की करते उत्थे उत्थे पार्कां च बैठ के वेले बैंदे जाओ तो इत्थे आ जाओ। हाँ इत्थे भी वेले बैठ नूं बथेरा थां है घट्टो घट घरां च ते बहोगे जमीनां वेच के तुसीं किसे लाले नूं दे देनी किसे भइए नूं दे देनी है उन्होंने बाद इत्थे कलोनियां कट के ते बिहार चों सारा ही वसा देना लिया के सब कुछ फिर इत्थे तंबाकू भी चलना बेदबियां भी होनियां सारा कुछ होना। सो जीवन दे उत्ते आपां किहड़े मकसद नूं करन आए हां इत्थे मुक्ति प्राप्त करन आए हां ना भी इह मनुखा जीवन सतगुर सच्चे पातशाह ने दिता है ते दिता भी सिखां करे आ तो केवल सिखां कोल मुक्ति का दावा है तो जे उस जीवन च आण के भी कुख नहीं करना डक्का भन के दुरा नहीं करना तो फिर आया का की फायदा है। सो बेनतियां कबूल करो तुहाडा छोटा भरा वा सारिआं दा पंथ दा दास आ मैनू जिथे नीवा बिठाउणा बिठा लो मैनू कहो भी आओ उत्थे जाके साडे जोड़े झड़न लग पा मैं झड़न लग पैना तुसीं जिहड़ा काम करना करी जाओ पर जिन्ना चिर तुहाडे मूँह ते दाड़े नहीं आउंदे जिन्ना चिर तुसीं पग्गां बन्न के अमृतधारी नहीं हुंदे क्योंकि राज अमृतधारी सिखां ने करना कुरबानियां अमृतधारी सिखां ने कीतियां ने इतिहास अमृतधारी सिखां ने रचिया ते जिन्हां ने जिन्हां किसे को मोनिया को सतगुरु सच्चे पातशाह ने सेवा लई है उन्हां भी अगले जन्म च अमृतधारियां दे रूप च पैदा होना है। एक नारा दिता है स्टेज तो पंजाब पंजाबियां दा उहदा अर्थ की है उहदा अर्थ है भी इस पंजाब च सदियां तो रह रहे लोग उही पंजाब के हकदार ने उही मालिक ने उही इस सर जमीन ते चाहे हिंदू ने चाहे सिख ने चाहे मुसलमान ने चाहे कोई भी कौम है जिहड़े सदियां तो इत्थे रह रहे हैं जिन्हां दी मां बोली पंजाबी है इन्ना क रखना पैंदा भी मां बोली पंजाबी होवे पंजाबी बोलनी आउंदी होवे पढ़नी आउंदी होवे पंजाबी सभ्याचार होवे उहनां दा इह पंजाब उहनां दी धरती है। सो इस करके हुकूमत नूं इह चेतावनी है भी भाई इत्थे जे रेहड़ी लावांगे तो भी असीं लावांगे इत्थे कुल्फियां बेचेंगे वह भी बेचेंगे इत्थे फैक्ट्रियों च मजदूरी करांगे तो असीं करांगे इत्थे फैक्ट्रियों च मैनेजर लगांगे तो असीं लगांगे इत्थे पढ़ांगे भी असीं पढ़ावांगे भी असीं सो इन्नियां बेनतियां कबूल करो जिन्नियां भी टकसालां इत्थे पहुंचियां ने सब दा नीवें हो के धन्नवाद करदे आं उन्होंने दस्तारां भेट कीतियां ने दस्तारां भेजियां ने दस्तारां जिम्मेवारी है पंथ ने देती है हुण साडा फर्ज बनता भी जिम्मेवारी नूं मोढ़ियां ते चुक के निभाईए। इन्नियां क बेनतियां ने खिमा दा जाचिंगा सब दा धन्नवाद। संगतो
मतलब मैनू सुनना है कि अरदास भी करनी है तुसी। आपां जिन्ना मर्जी बोलीए जे अरदास ही ना प्रवान आई सतगुरु सच्चे पातशाह दे चरणां च ते फिर उत्थे जाके छत्तर खाने आपां किसे को। बैठ जाओ जे, बैठ जाओ, कोई नहीं, जिथे इन्ना सबर किया अद्धे घंटे ना किसे नूं गश नहीं पै जाणी। बह जाओ, कोई नहीं। इन्ना क हमेशा चेता रख्या करो भी आप महाराज की हजूरी च 150 जगारा छड़ दिता जदों दे लगे हाँ, तो महाराज की हजूरी लगी है जो उठ के आए पिट फका के तुरे जाने परे नूं, फिर तुसीं कहना भी साडे नाल कौड़ा बोलन लग पिया। ये थोड़ा जिहा सतकार पै सतगुरु सच्चे पातशाह दा रखिए मन दे विच। कोई नहीं, जिहड़ी भुख है 2 मिनट सबर कर लो। कलगीधर पातशाह ने माशीवाड़ के जंगलों दिनों की भुख सबर किया साढ़े वास्ते, तो साढ़े को अद्धा घंटा नहीं जरा जान दिया। बैठो, बेनती है, इन्नियां क बेनतियां करनिया सी। अरदास होगी, सब ने अरदास च शामिल होना है, सतगुरु मनो तनो अरदास करनी है। एक अरदास दे उत्ते मैं अखीरी कहानी सुनाउणी है तुहानू भी अरदास की महिमा किड्डी वड्डी है। एक पिंड च काल पै गया, कितें फसलां खराब होण लग पईआं, सुकण लग पईआं। उन्हां सोचा भी चलो गुरु घर अरदास करके आईए भी महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करो, मीह पवाओ। जदों घरों तुरन लगे तो एक बच्चे ने हाथ से छतड़ी फड़ ली। सियाणियां ने मजाक किया भी ये क्यों फड़ ली है, वह कहिंदा जदों अरदास करांगे तो मीह पै जाणा। हुण बच्चे दे मन दी जिहड़ी अरदास है वह वाकई मनी जाणी है, साडे मनां च खोट है साडी तां नहीं सुनी जा रही। सो अरदास दी एड्डी वड्डी महिमा है, अरदास जिथे हुंदी है एकागर चित हो के गुरु नूं हाजर नजर जाण के, क्योंकि सारा कुछ देण वाला मालक है। राज पा के हिंदुस्तान की घूमते नहीं देना, आपां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह ने देना। अखीर ते सब का धन्नवाद है जिन्हां सेवा कीती है, जिन्हां ने इत्थे लंगर वरताया, जल छकाया, जिन्हां ने सब किस्म की सेवा की है। सब सेवादारां दा धन्नवाद है, पिंड की संगत का धन्नवाद है, प्रबंधकों का धन्नवाद है, परिवार का बहुत बहुत धन्नवाद है। संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडराणा के समूह परिवार का उन्होंने बड़ा माण सत्कार दिता है। सो असी रोम रोम साडा ऋणी है, इस नगर का, पंजाब का भी, पूरी कौम का, पंथ का रोम रोम ऋणी है। सो असी बेनती करते हाँ भी जिहड़ा ये रोडे तो संघर्ष उठाया सी, अज ये इकट्ठ जिहड़ा मसाली बने, तो मसाली इकट्ठ होवे तो इत्थों दोबारा एक लहर उठे जिहड़ी कल नूं असी कह सकीए भी ये वाकई महापुरशां दे चरण प्राप्त धरती है। इत्थे महापुरशां ने तप बंदगी कीती है, इत्थों आण के बड़ियां बख्शिशां प्राप्त हुंदियां। वैसे तो खालसे के प्रबंध इदा दे हुंदे आ भी जिन्ना कु प्रबंध करिए उत्तों बाहर निकल जाता कम, पर फिर भी हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हाँ। साडा कोई राजनीतिक रैलियां रूलियां करने वाला कारोबार तो है नहीं, सानू नहीं पता हुंदा भी किन्नी संगत आ जाणी किन्नी नहीं आनी। सो इस करके जे किसी भी प्रबंध च कोई कमी रह गई होवे, दोवें हाथ जोड़ के नीवे होकर तुहाडे को माफ़ी मंगदे हाँ। अगली वार महाराज कृपा करन प्रबंध ठीक हुंदा रहे, प्रबंध साडा भावें बिगड़ रहे असीं सोचते हैं पंजाब ठीक हो जाए, सानू इकट्ठ करना ही ना पैण महाराज की कृपा दे नाल। सो इन्नियां कु बेनतियां दे नाल मैं खिमा दा जा चुकिया, खंडे बाटे की पौल छको, तैयारी कर लो, इहो ही राह वा, हसया ना करो इदा, इह तों बिना किसे ने तुहानूं ढोई नहीं देनी। सो गुरु साहब कृपा करन, खिमा दा जा चुकिया, बोलदिया लखां कताईयां हो गईयां, जे कोई हो गई होवे ते हुणे माफ़ी मंग लैने, बाद वीडियो ना चलाउंदे फिरे भी भई आ कुछ बोलता है। एक जकारा छड्डणा है फतेह तों बाद च, सो खिमा दा जा चुकिया जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।